गुजरात से अयोध्या जा रही 108 फीट लंबी अगरबत्ती का भीलवाड़ा की धरा पर जगह जगह हुआ स्वागत। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाई जाएगी। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां लगभग अंतिम दौर में। ऐसे में भीलवाड़ा की धरा पर जब अयोध्या में लगने वाली विशेष 108 फीट की अगरबत्ती पहुंची तो हजारों भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। सभी ने जगह जगह इसे रोककर इसके दर्शन किए और पूजा अर्चना करी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा आज भीलवाड़ा बाईपास धूलखेड़ा चौराहे पर विश्व की सबसे लंबी 108 फीट की अगरबत्ती का भव्य स्वागत किया गया। विहिप के भीलवाड़ा महानगर सह मंत्री सुशील स्वालका ने बताया कि बड़ौदा से प्रस्थान हुई अगरबत्ती की यात्रा भीलवाड़ा की धरती पर प्रवेश हुई। यहाँ अपार जनसमूह ने ढोल नगाड़ों के साथ पलक पावड़े बिछाकर इसका स्वागत किया। वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि हम अयोध्या की धरती पर पता नहीं कब पहुँचेंगे, परंतु इस अगरबत्ती का स्पर्श करने मात्र से हम अयोध्या यात्रा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस विशाल अगरबत्ती का निर्माण भिया भाई भरवाड़ बड़ौदा ने पंच गव्यों के साथ ही विभिन्न प्रकार के हवन सामग्रियों का समावेश करके इसे करीब 6 महीनों में तैयार किया, जिसका वजन करीब 3,610 किलोग्राम है। 1 जनवरी को यह अगरबत्ती बड़ौदा से निकली थी। यह अद्भुत अगरबत्ती जनता जनार्दन की उपस्थिति में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जलाई जाएगी। वहीं इस 108 फीट की विशेष अगरबत्ती को एक खास प्रकार के लंबे ट्रक से ले जाया जा रहा है। कार्यक्रम के संयोजक राजेश भाई देसाई व राजस्थान प्रदेश के सह प्रभारी श्याम चौबीसा बांसड़ा के नेतृत्व में हमीरगढ़ स्वागत के बाद भीलवाड़ा की धरती पर प्रवेश हुआ। महानगर संयोजक अखिलेश व्यास व महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल व मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी ने अपार श्रद्धा के साथ इसका स्वागत किया। स्वागत के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भीलवाड़ा नव निर्वाचित विधायक अशोक कोठारी के साथ ही विराट सोनी, बाबूलाल टाक, विश्वबंधु सिंह राठौड़, मुकेश मंगलपुरा, दिनेश माली, रवि सोनी, शुभम मिश्रा, दिनेश सुतार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। हजारों सालों के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या में जब प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ है और 22 जनवरी 2024 को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और प्रभु श्री राम उनके निधि स्थान में पधारने वाले हैं, जब पूरे भारत देश के अंदर से पूरे भारत के भक्तों ने कुछ न कुछ चीज वहाँ पर भेंट भेजी है, तो हमने गुजरात में से 108 फीट लंबी 3.5 फुट गोलाई वाली और इसका वजन है 3,610 किलो, इसको हम 108 फुट अगरबत्ती का है या तो 108 कुंडी यज्ञ का है बराबर है। इसके अंदर बहुत सारी हवन सामग्री इसमें यूज किया है और ये अगरबत्ती भव्य शोभा यात्रा के साथ अयोध्या पहुंचेगी राम जन्मभूमि, वहाँ पे प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करके उसको प्रज्वलित करेंगे और जब यह धूपसली वहाँ प्रज्वलित होंगी तो 45 दिन तक प्रज्वलित रहेंगी और पूरे अयोध्या के अंदर उसकी ऊर्जा फैलाएंगे। आपका नाम? विया भाई भरवाड़। प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए बड़ोदरा से 108 फीट अगरबत्ती प्रभु श्री राम के मंदिर में स्थापित होने और वहां के लिए जा रही है, उसकी यात्रा का स्वागत करने का अवसर मिला। 500 वर्षों की प्रतीक्षा और लाखों देशभक्तों के बलिदान के बाद ये हमें स्वर्णिम अवसर आया कि प्रभु श्री राम वहाँ अपने निज धाम में विराज रहे हैं। तो हम सबका भी दायित्व है और सौभाग्य है कि हम 22 जनवरी को दीपावली के रूप में बनाए, घर घर दीप जलाए और भजन करें, भक्ति का माहौल बनाए और सभी लोग प्रभु श्री राम की भक्ति करें। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।